हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीर और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है GKWC यानी गेट नॉलेज विदाउट कॉलेज। तो आज की वीडियो में सिर्फ आपको मैं अपना टेरेस गार्डन दिखाऊंगा जिससे आपको अपना टेरेस गार्डन सेटअप करने में आसानी होगी। उसके अंदर कौन कौन से प्लांट्स लगे हुए हैं वो आपको दिखाऊंगा और कितने एरिया में लगे हुए हैं वो आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से काम शुरू करेंगे और आपको हर एक प्लांट्स के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको अपना टेरेस गार्डन दिखाता हूँ। दोस्तों, ये मेरा 10 बाय 15 फुट एरिया का एक छोटा सा टेरेस गार्डन है। इसको मैंने छत के बीचों बीच बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं, आपको इसमें प्याज की फसल दिख रही है, साइड में भिंडी है। इस आइए आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भिंडी के पौधे हैं। और नज़दीक से देखिए, बीच में प्याज लगा हुआ है। और आगे आपको लेके चलता हूँ। आज एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या है। ये देखिए, ये अरबी के पौधे हैं। साइज देखिए इनके पत्तों का। ये देखिए, नज़दीक से देखिए। और ये प्लास्टिक के बैग में तोरी की बेल है। और इसी के साथ एक करेले की बेल है, ये मिट्टी के गमले में हैं। और आगे चलते हैं, ये देखिए, ये पुरानी पानी की टैंकी है। इसको बीच में से काट कर इसमें मिट्टी भर दी है। ये हल्दी के पौधे, ये गिलोय की बेल, और ये भी काफ़ी लंबी हो चुकी है अभी। ये प्लास्टिक के बैग में अमरूद का पौधा, इस पर फूल आ चुके हैं और नेक्स्ट मंथ फल भी आ जाएगा। ये दूसरी किस्म का अमरूद का पौधा है, इसको भी मैंने प्लास्टिक के बैग में लगाया है और ये अच्छा ग्रो कर रहा है। ये प्लास्टिक के बैग में ही तोरी की बेल हैं, दोनों में तोरी की बेल हैं और ये भी अच्छी ग्रो कर रही हैं। ये मिट्टी के गमले में मिर्च है, ये नारंगी है, और ये छोटे प्लास्टिक के गमले हैं, उसके अंदर है भिंडी के पौधे, ये भी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ये बैंगन है, ये भी बैंगन है, ये दूसरी किस्म का बैंगन है। ये देखिए, प्लास्टिक के थोड़े बड़े कंटेनर हैं, इसमें शिमला मिर्च लगी हुई है, ये भी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। और ये भी प्याज हैं, इसके अंदर मैंने नारियल की जो कोकोपीट होती है वो यूज़ की है और ये प्याज अच्छे ग्रो कर रहे हैं। फिलहाल कल बारिश तेज़ आई थी तो ये थोड़े गिर गए हैं, लेकिन प्याज बिल्कुल सही है और प्याज अच्छे ग्रो कर रहे हैं। आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी 2 महीने होने वाले हैं इनको। ये सजावटी पौधे, इनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इनकी क्या किस्म है, क्या इनके नाम हैं और किनको कब पानी देना है। और ये सबसे मेंटेनेंस फ्री एलोवेरा का पौधा, और ये मेरे हैंगिंग पॉट्स हैं, इनको भी मैंने लगाया हुआ है। तो दोस्तों, ये था मेरा टेरेस गार्डन, आपने देख लिया है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई आपका सुझाव है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले दिखाई दे। जय हिंद दोस्तों।